हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये मूली के पत्ते, ये फ्रेश ताज़ी मूली हम खेत में से अपने उखाड़ के लाए हैं और आज हम इसी मूली को साफ़ कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसे कि हम पकौड़े बनाएंगे। तो इसके पकौड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और इस तरह से हम इसके जो बेकार पत्ते हैं उसको हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी ताज़ी और फ्रेश पत्ती दिख रही है। तो इसी प्रकार हम जो ख़राब पत्ते हैं इसमें से सारे को निकाल लेंगे और इसे हम साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके धो लेंगे। तो इस प्रकार से सारे पत्ते को हम मूली से जो ख़राब पत्ते थे उसको हमने निकाल लिया और इस पत्तों को हम वेस्ट नहीं होने देंगे, फेंकेंगे नहीं इसे। इसे हम अपनी भैंस को डाल देंगे। तो देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब इसको हम काट लेंगे। मूली के पत्तों को हम थाली में डालते हैं। और उसके बाद हम इसमें ये बेसन मिलाएंगे। बेसन हमने चना का बेसन लिया है, आप कोई बेसन ले सकते हो। और ये आप चाहे तो चावल का आटा ले सकते हैं इसमें कुरकुरापन लाने के लिए। तो ये सूजी थी, इसको हमने मिक्सर में थोड़ा सा पीस लिया है। ये हमारी बारीक हो गई है सूजी, तो इसको भी हम थोड़ा डालते हैं इसमें। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये ढेर सारा हरा मिर्च, क्योंकि तीखा थोड़ा सा रहता है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कि जीरा थोड़ा सा और अजवाइन, और इसका टेस्ट खट्टा हो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ये चाट मसाला भी डाल देंगे। और उसके बाद बहुत थोड़ा सा इसमें गरम मसाला और टेस्ट के हिसाब से नमक स्वाद अनुसार। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छी प्रकार मिला लेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा पानी लगा है केवल, और अच्छी प्रकार से हमने सान लिया है। अब हमारा पकौड़ा बनाने का ये जो बेसन है ये एकदम तैयार है। अब हम आग जलाते हैं, फिर उसके बाद इसे बनाते हैं। आग को हमने जला लिया, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। अब इसमें हम डालते हैं रिफाइंड ऑयल। आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, आपको जो पसंद हो। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डालते हैं कोई। अब चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, मैं चम्मच से डाल रही हूँ। लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी से पक रही है। अब सारी को हम पलटी मार देते हैं दूसरे साइड में। अगर आप हर तरह की
पकौड़ी खा के बोर हो गए हैं तो फिर इसको ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है इसके साथ साथ में। तो देखिए, मैंने मूली के पकौड़े बना लिए और देखिए एकदम, देखिए कैसे बज रहे हैं, एकदम क्रंची क्रंची बने हैं। और ऐसे ही आप भी बनाइए, अगर हर पकौड़े खा के बोर हो गए हैं तो फिर इसको ज़रूर बनाइए। और इसी प्रकार हम और पकौड़े भी छान के निकाल लेंगे। आप इसे चटनी या फिर चाय के साथ इवनिंग या फिर मॉर्निंग में ले सकते हैं, या फिर किसी चटनी या सॉस के साथ, या फिर हरी मिर्च के साथ ले सकते हैं। इसी प्रकार मैं बाकी और भी पकौड़े को तलती हूँ। अगर मेरी वीडियो फ्रेंड आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर कोई आपकी फरमाइश हो तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उसे पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ उसे शेयर भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।